अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं लतीफ़ सलमान और आप देख रहे हैं टेक्निकल लतीफ़ सलमान। दोस्तों, आज हमें जाने कि फेसबुक में, व्हाट्सएप में, किसी भी सोशल नेटवर्क में मल्टीपल लैंग्वेजेस में हम कैसे टाइप करते हैं, आज ये देखेंगे हम। चलिए, सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर में जाएं। जाने के बाद यहाँ पे टाइप करें जी बोर्ड, GBORD। जी बोर्ड टाइप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप इंटरफेस इसका। इसको 500 मिलियन लोगों ने डाउनलोड कर चुके हैं और इसकी रेटिंग 4.2 है, जो कि काफ़ी अच्छी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे इसके स्क्रीनशॉट है। टाइप फास्टर विथ ग्लाइड टैपिंग, गूगल सर्च भी इसमें है, आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं। और सेंड रिजल्ट, और सर्च करने के बाद उसको सेंड भी कर सकते हैं किसी को। गिफ्ट इमेजेस भी है, यहाँ पे हैं गिफ्ट भी जो है सो आप सेंड कर सकते हैं। इमोजी भी है और वॉइस टाइपिंग भी यहाँ पे मौजूद है। गूगल ट्रांसलेट भी यहाँ पे है, आपको किसी भी वर्ड का जो है तो मीनिंग समझ में नहीं आए तो आप किसी भी ज़ुबान में ट्रांसलेट कर सकते हैं। चूज़ योर थीम, आप यहाँ पे थीम भी चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो भी लगा सकते हैं कीपैड पे। ठीक है, चलिए ये हम ओपन करते हैं जी बोर्ड को। इस तरह से ये जो है सो जी बोर्ड इसके सेटिंग्स हैं, यहाँ पे परफॉर्मेंस है और यहाँ पे थीम से जो है सो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। और टेस्ट करप्शन है यहाँ पे, इसको आप अपने लिहाज से सेटिंग कर लें। ग्लाइड टाइपिंग, वॉइस टाइपिंग, ठीक है ना दोस्तों। ये डिक्शनरी है, आपको जो भी मीनिंग समझ में नहीं आए तो यहाँ पे जो है सो आप उसके मीनिंग देख सकते हैं। यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स है, शो ऐप आइकन वगैरह जो है सो। चलिए, ये कीबोर्ड आपको बताता हूँ मैं। मिसाल के तौर पे आप जो है सो किसी को उर्दू में टाइप करना है या हिंदी में टाइप करना है या इंग्लिश में टाइप करना है, आप यहाँ से ऐसे कीबोर्ड को यहाँ पे जो इंग्लिश बोल के लिखा हुआ है वहाँ पे जो सो आप लॉन्ग पे प्रेस करने के बाद आपको जो है यहाँ पे लैंग्वेजेस आते हैं। सेटअप इनपुट मेथड, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे हम यहाँ पे जो सो लैंग्वेजेस सेट कर लेना चाहिए। सेट कर लेने के बाद जो है सो आपको आपको कौन कौन सी ज़ुबान होना चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु वगैरह, आपको जो भी ज़ुबान लैंग्वेजेस आपको चाहिए वो जो है सो आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद जो है आप यहाँ पे ये जो है सो इंग्लिश में है, ये इंग्लिश में गुड मॉर्निंग चलेगा। आप जो है सो इसको लॉन्ग प्रेस करें, यहाँ पे हिंदी है। आप जैसे इंग्लिश में यहाँ पे टाइप करते हैं गुड MORNING, गुड मॉर्निंग, ये जो है हिंदी में चले आता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ पे हिंदी, और इसको लॉन्ग प्रेस करें, यहाँ पे तेलुगु है। आप यहाँ से फिर से गुड मॉर्निंग टाइप कीजिए, आपका गुड मॉर्निंग तेलुगु में चले जाएगा।
ठीक है, अब यहाँ पे उर्दू में है, यहाँ पे आप जो है सो फिर से गुड मॉर्निंग टाइप कीजिए, फिर से आपको यहाँ से जो है सो ये जो है सो आपको गुड मॉर्निंग उर्दू में चले जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, इस तरह से हम बहुत सारे लैंग्वेजेस में जो है सो लैंग्वेज में जो हम मैसेज भेज सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, उर्दू और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस इसमें हैं, आप सेटिंग कर लें जाके। ठीक है ना दोस्तों, इस तरह से हम मल्टीपल लैंग्वेजेस में मैसेजेस टाइप कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, चलिए, अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।